दोस्तों, मैं शिरूर पुणे के पास जो है वहाँ से हूँ। ये मेरे साथ सुरेंद्र जी हैं और ये शहर से जो नागरिकों ने गीला कचरा सेग्रीगेटेड फॉर्म में दिया है वो लेके आए, बराबर है ना। और मैं ये वीडियो पूरे भारत के उन सारे देशवासियों को दिखाना चाहता हूँ, उन सारे शहर के लोगों को भेजना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, जो लोग अपने घरों में सेग्रीगेटेड वेस्ट या तो देते नहीं हैं या नगर पालिकाओं को सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आप लोग सेग्रीगेटेड वेस्ट लेके आए हो ना, ओला कचरा और सूखा कचरा महाराष्ट्र की भाषा में ये बोलते हैं, उनकी गाड़ी अभी खाली ओला कचरा लेके आए हो ना। ये अपना ओला कचरा यहाँ पर सेंटर पर लेके आए हैं और ये एज इट इज, इसमें इन्होंने अभी मैनुअली कोई सेग्रीगेशन नहीं किया है। आपने अभी इसको छांटा है क्या? ये अभी करेंगे। ये अभी जो नगर से या शहर से आया हुआ है ये वो सीधा सीधा गीला कचरा है। आज इवन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी इस तरीके का सेग्रीगेशन करवाने में सक्षम नहीं है। वार्ड के लोग गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं देते हैं, सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम मुंबई खड़ी हुई है। ये बेशक आज गीला कचरा इस स्थिति में है, लेकिन जिस तरीके के की व्यवस्था आने वाले टाइम में शिरूर नगर परिषद यहाँ पे करने वाली है वो कहीं ना कहीं एक आई ओपनर होगी पूरे भारत के लिए। शिरूर नगर परिषद ने ये फैसला किया है कि वो यहाँ पर एक जैविक खाद लगाने की फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं। हमारा भी ये मानना है कि अगर भारत में गीले कचरे के निस्तारण के लिए जैविक खाद बनाने की फैक्ट्रियां हर ग्राम पंचायत में नगर पालिका लेवल पे एस्टेब्लिश कर दी जाएं और अंडर प्रिविलेज वुमेंस को या गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाली महिलाओं को उन सारी फैक्ट्रीज़ में शेयर होल्डर बना दिया जाए, तो इस टाइप की जो समस्या है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत न केवल जैविक खाद बनाने की फैक्ट्रियां हर छोटे छोटे शहरों में चालू हो जाएंगी, जिसकी आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग के या ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स को ज़रूरत है। तो स्वच्छ भारत मिशन की तकरीबन 50% समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं गार्बेज क्लिनिक फाउंडर प्रवीण नायक शिरूर महाराष्ट्र से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।